Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. SDMS Boys English Medium Primary School, Standard 4th, Subject EVS. Today in our EVS subject, we are going to start new chapter. Chapter start karne se pehle, aaj hum kuch fabrics ke baare mein jankari lenge, jiski factories India mein अवेलेबल है और जो हम यूज़ करते आए हैं। फर्स्ट जो है बांधनी। बांधनी जयपुर जयपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेमस है। सेकंड कश्मीरी, जिसे हम कश्मीरी मीन्स कि इस पर कश्मीरी वर्क किया जाता है फैब्रिक पर, जो कश्मीर से फेमस हुआ है। सेकंड थर्ड कॉटन, लास्ट डेनिम, जिसे हम हमारी लैंग्वेज के अंदर जीन्स मटेरियल बोलते हैं, उसे डेनिम बोला जाता है। तो ये जो हम लोगों ने पैटर्न देखी, ये जो हम लोगों ने फैब्रिक देखा जिसका हम यूज़ हमारे लाइफ के अंदर जो करते आए हैं, आज वैसे ही एक फैब्रिक के बारे में, वैसे ही एक मटेरियल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज पटोला। चैप्टर नंबर 22 पटोला। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा है, यहाँ पे जो हम लोगों को साड़ी बताई है वो है पटोला की। पटोला इज़ वेरी फेमस एंड वेरी फाइन आर्ट। फेमस नॉट इज इन इंडिया बट ऑल अराउंड इन वर्ल्ड। पटोला जो है वो एक फेमस और एक बहुत अच्छा आर्ट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। इतना ही कि नहीं इंडिया के अंदर फेमस है बल्कि ऑल अराउंड वर्ल्ड में फेमस है। स्टूडेंट यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ दिस पटोला। आप लोगों को सभी को एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि पटोला क्या है। तो पटोला इज़ अ साड़ी विच इज़ मेड फ्रॉम सिल्क। इट इज़ मेड इन पाटन ऑफ गुजरात। पटोला गुजरात के अंदर पाटन में बनाई जाने वाली एक प्रकार की साड़ी है और ये बहुत फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट लर्न अबाउट पटोला। Listen to the content carefully. यहाँ आप स्क्रीन पर हम लोगों को जो डिज़ाइन बताई गई है, जो फैब्रिक बताया गया है, वो पटोला साड़ी का है। Mocks and Nirmal live in Salviwada of Patan. Their home is always filled with bundles of bright colored silk threads. Mocks और Nirmal Patan के Salviwada में रहते हैं। यहाँ पे हमें दो बच्चों के बारे में बताया है, Mocks और Nirmal, जो गुजरात के अंदर जो Patan है उसके Salviwada में रहते हैं। Mocks और Nirmal का जो घर है वो हमेशा इस प्रकार के सिल्क के थ्रेड के बंडल से भरा हुआ है। लोगों के घर में हमें हमेशा ऐसे बंडल देखने को मिलते हैं। देयर मदर कोकिला बेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वीवर्स। द वीविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। मॉक्स और निर्मल के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी, उनके मम्मी कोकिला बेन और उनके पापा अशोक भाई, वो क्या है और साथ में उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स वीवर्स हैं, मतलब बुनकर जिसे हम बोले जाते हैं वो हैं, जो बुनाई का काम करते हैं उन्हें वीवर्स बोला जाता है, वीविंग करते हैं। आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, वो लोग जो वीविंग करते हैं, जो बुनाई का काम करते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही स्पेशल होता है। From many centuries, Salvi families are living in the Salviwada. The special weaving work done by them is known as Patola. Nowadays, here Patola House has established to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving work. पिछले कुछ सालों से जो सालवीवाड़ा सालवी फैमिली है वो कहाँ पे रहती है, तो सालवीवाड़ा में रहती है।
सालवे फैमिली के लोग जो स्पेशल विविंग करते हैं उसे पटोला कहते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे एक फैमिली दिख रही है और ये लोग जो आप लोगों को दिखता है वो विविंग वर्क कर रहे हैं, और जो ये लोग विविंग वर्क करते हैं उसे पटोला कहा जाता है। यहाँ पे पटोला हाउस का पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है। पटोला हाउस की स्थापना की गई है जिससे पूरे वर्ल्ड को पटोला जो एक स्पेशल विविंग वर्क है उसके बारे में पता चले। यहाँ पे जो पटोला हाउस है वो पाटन के अंदर है और उसकी एक उसकी स्थापना की गई क्योंकि यहाँ पे जो पटोला बनता है उसके बारे में जो जानकारी मिले वो सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं बल्कि ऑल अराउंड वर्ल्ड के लोगों को यानी सबको इसके बारे में पता चले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। द क्राफ्टमैन हु मेड रानकी वाव इन पाटन they also had used this design of patola in their stonework. The poets of Gujarat have also discussed about this craft in their folk songs like Chellaji Mari Haru Patan Thi Patola Mungha Laujo. आपको पिक्चर में जो दिखाया गया है रानकी वाव, तो पाटन में ये रानकी वाव स्टेप वेल जिसे रानकी वाव कहा जाता है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसमें बड़े बड़े स्टोन के ऊपर कार्विंग वर्क करके डिज़ाइन बनाई गई है। रानकी वाव जिन्होंने बनाई है, द क्राफ्टमैन हु मेड रानकी वाव इन पाटन दे ऑल्सो हैड यूज द डिज़ाइन ऑफ पटोला। यहाँ पे जो रानकी वाव बनाने वाले क्राफ्टमैन हैं उन्होंने जो डिज़ाइन बनाई है वो पटोला की डिज़ाइन होती है, वहीं यहाँ पे कार्विंग करके बनाई गई है। यहाँ पे जो पटोला की डिज़ाइन आप लोगों को दिख रही है वही ये रानकी वाव के अंदर कार्विंग कर बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर ये डिज़ाइन बनाई गई है। गुजरात के कुछ पोइट्स ने उनके पोएम्स में और कुछ फोक सॉन्ग में भी पाटन के पटोला के बारे में बात की है। लाइन ऑफ वन सच फोक सॉन्ग इज गिवन हियर, एक फोक सॉन्ग की लाइन यहाँ पे दी गई है जिसमें बारे में हम लोगों ने देखा, छेला जीरे मारी हारू पाटन थी पटोला मूंगा लाउजो। Moksh and Nirmal's parents learned this art from their parents. Now, Moksh and Nirmal also help their parents after coming back from school and learning this art. Moksh और Nirmal के जो parents हैं उन्होंने जो ये art है पटोला का वो अपने मम्मी पापा से सीखा था। अब Moksh और Nirmal भी school से आने के बाद अपने मम्मी पापा की help करते हैं और वो भी ये art सीख रहे हैं। आज हम लोगों ने पटोला के बारे में कुछ जानकारी ली है कि पटोला कैसे फेमस हुआ है, वो कहाँ से वो कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में हम लोगों ने आज जानकारी ली है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 के अंदर देखेंगे।